दोस्तों टेक्नो बुफा 3 जब से ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है, यानी बाहर का कंट्री में लॉन्च हुआ है, तब से मेरे पास कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, भाई टेक्नो बुफा 3 इंडिया पे कब लॉन्च हो रहा है? क्योंकि गाइस यहां पर काफी अच्छा फीचर्स दिया जा रहा है, इसीलिए काफी सारा भाई लोग टेक्नो बुफा 3 का वेट कर रहा है। तो भाई फाइनली टेक्नो बुफा 3 इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, लॉन्च डेट भी कंफर्म हो गया है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो हाइप हुआ है इस फोन को लेके वो है भाई 7000 mAh बैटरी। जी हाँ, इस फोन में आपको 7000 mAh बैटरी दिया जाएगा और साथ में आपको 33 वाट का फर्स्ट चार्जिंग मिलने वाला है। अब ये जो बैटरी है दोस्तों आपको किसी भी ब्रांड में देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों काफी सारा भाई बैटरी बड़ा के साथ जो है गेमिंग चिपसेट भी चाहता है, तो यहाँ पर बैटरी बड़ा है साथ में गेमिंग चिपसेट भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G88 का गेमिंग चिपसेट मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट है 10,000 के आसपास प्राइस रेंज में। तो देखा जाए तो ये फोन एक गेमिंग स्मार्टफोन भी है। साथ में दोस्तों ये फोन आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, 4GB 64GB और 6GB 128GB। प्राइस के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं, बट इस फोन का डिजाइन भी बहुत ही यूनिक है। जो इलेक्ट्रिक ब्लू निकल का है दोस्तों, वो देखने में मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है। बट दोस्तों यहां पर आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, और जो डिस्प्ले है दोस्तों वो 6.9 इंच का एक FHD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल दिया गया है। अब काफी सारा भाई कॉमेंट करता है भाई बड़ा डिस्प्ले थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, बट मैं अपना ओपिनियन बताऊँ दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 11S में भी सेम ऐसा ही डिस्प्ले है लगभग 7 इंच का, तो उसमें मैं गेम जब खेलता हूँ भाई अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर बड़ा डिस्प्ले में गेम खेलने का मजा ही अलग है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा डिस्प्ले साथ में 120Hz नहीं 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं, इसलिए काफ़ी सारा भाई लोग इस फोन का वेट कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ड्यूल स्पीकर है, मतलब दो स्पीकर इस फोन में दिया जा रहा है, मतलब साउंड क्वालिटी भी आपको बेहतर मिलने वाला है। और साथ में यहाँ पर कैमरा भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा बैक साइड में मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह मिल जाएगा। तो देखा जाए भाई फीचर्स काफी जबरदस्त दिया गया है, इसलिए इस फोन के बारे में मेरे पास कमेंट काफी ज्यादा आ रहा है। तो चलिए फाइनली जानते हैं इंडिया पे कब लॉन्च हो रहा है। देखिए एक टीपर है जिसने ऑफिशियली ट्वीट किया है, ऑफिशियली नहीं मतलब ट्वीट किया है, जिसने बताया है भाई बहुत ही जल्द मतलब फ्यू डेज के अंदर, मतलब मान लो कि 5-6-7 दिन के अंदर जो है टेक्नो बुफा 3 को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। बट ये टेक्नो इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट बहुत ही जल्द 1-2 या फिर 3 दिन के अंदर जो है टेक्नो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देगा टेक्नो बुफा 3 का लॉन्च डेट का। मतलब मान के चलो कि भाई 7-10 दिन के अंदर टेक्नो बुफा 3 आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से ये फ्लिपकार्ट में नहीं अमेजोन पे मिल सकता है। देखते हैं गाइस प्राइस कितना होता है, मेरे ख्याल से तो 10,000 के आसपास हो जाए तो भाई जबरदस्त होगा। आपको क्या लगता है प्राइस कितना होगा इस फोन का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ये गुड न्यूज आपको बताना था टेक्नो बुफा 3 के बारे में, इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, मैं आपको बता दिया। कैसे लगा न्यूज कॉमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल में आपको रेगुलर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।